शारीरिक फार्मूले मैथमेटिक्स के, साइंस के, फिजिक्स के, उसी तरह से स्पिरिचुअल फार्मूलाज भी हैं। जब आपको स्पिरिचुअल फार्मूला समझ आ जाता है, आपको आत्मिक चीजें जब समझ आ जाती, आपके लाइफ की ब्लेसिंग, उसकी गवाही आपकी, आपका आगे बढ़ना ये नथिंग होगा, क्योंकि ये आप ही का पीछा करते हुए आपके पास आएंगे। और ऐसा पॉसिबल तब है अगर आप अपना फोकस परमेश्वर के वचन पे ही लगा के रखेंगे और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से, अपने आप को अलग अलग तरह की चीजों से जो आपको आकर्षित करें और खुदा की ओर से आपको दूर करें, अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो। क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट लेने के लिए, चाहे वो शारीरिक में हो, बिजनेस में हो, एग्जाम में हो, या आत्मिक जीवन में हो, आपको फोकस के साथ उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। मैंने कहा कोई ऐसा सिचुएशन नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल परमेश्वर ने बनाए बिना वो आपको दी हो। लेकिन मैं उस तक पहुंचूं कैसे? अगर एक मंदबुद्धि बच्चा चल सकता है, सूखी टांगों वाला चल सकता है, क्योंकि उसको अपनी गवाही का इस्तेमाल करना आ गया, उसको परमेश्वर में चलना आ गया, तो ये आपके लिए काफी है। डैनियल जो था वो ऐसा क्रिश्चियन, ऐसा यहूदी था उस राज में जिसका राजा अन्य जाति था, पर वो डैनियल को पसंद करता था, क्योंकि डैनियल परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता चलता इतना आशीषित था कि जो कोई काम वो करता था प्रभु उसके संग रहता था, इसलिए वो राजा का फेवरेट था। 120 मंत्रियों के 3 महामंत्री थे, उनमें से एक डैनियल था। उन्होंने कहा इसको कैसे डाउन करें? कहते इसको तुम डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी भी रिश्वत नहीं लेता, कभी दोषी नहीं पाया गया। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि राजा को बोलेंगे, राजा अगले 30 दिन तक तेरे अलावा अगर कोई और तेरे राज में किसी और देवता की उपासना करे तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और लिखा डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। क्या डैनियल को शेर खा पाए? और राजा के मुंह से पता क्या निकला? कहता डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे बचा पाया? एक अविश्वासी को भी मालूम था कि ये बंदा नित्य खुदावंद की उपासना करने वाला बंदा है। और क्या आपके अन्य जाति बॉस को मालूम है कि आप संडे सिर्फ खुदा के घर में जाएंगे? क्या आपके अविश्वासी पड़ोसियों को मालूम है कि संडे आप सिर्फ खुदा की बंदगी करेंगे? क्या आपके अविश्वासी रिश्तेदारों को मालूम है कि आप उसकी नित्य उपासना करने वाले हैं? चाहे मौत आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कलेश आए, चाहे दुख आए, गरीबी आए, कुछ भी आए, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो बाइबल कहती परमेश्वर का यह प्लान है कि वो आपको इतना प्रॉस्पर करेगा, इतना ऊंचा करेगा। ओह, लिखा वो सुख और चैन से रहा। उस सुख और चैन को पाने के लिए लोग 7 समुंदर पार चले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया वकेशंस पे खर्चते, पर वो सुख चैन मिलता नहीं, क्योंकि वो बाहर से नहीं आएगा, वो एक उपज है खुदावंद के साथ रिलेशनशिप की, वो एक फसल है, वो तब कटती जब रिलेशनशिप लंबी चलती और अटूट चलती। परीक्षाओं को तुम रोक नहीं सकते, परीक्षाएं आएंगी बाइबल कहती है, लेकिन धर्मी 7 मुसीबतों से भी निकल जाएगा और पापी का कुछ पता ना चलेगा। उसने कहा यहोवा धर्मी को उसके प्राण को विपत्तियों से छुड़ाता है और पापी का कोई ठिकाना नहीं। बाइबल कहती है, कहता अगर धर्मी इतनी कठिनाई से उद्धार पाएगा तो पापी का क्या ठिकाना। नए नियम में यूहन्ना की पत्री कहती, कहता जब तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी नहीं पाता तब तुम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हो तुम्हें मिलता है, क्योंकि तुम्हें हियाव है कि तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी नहीं पाता, और जब तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो वो तुम्हें मिलता है। इमेजिन करो एक बंदा जो सरेआम पाप में है और जब शेर आ जाए,
क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि खुदावंद उसकी प्रार्थना को सुने? वो लॉटरी होगी, है ना, कि लग गई नहीं तो मेमोरियल सर्विस पे आ जाना। हाँ, लॉटरी है वो, खुदावंद की रहमत हो गई किसी और रीजन से हो गई, नहीं तो गए। परमेश्वर ने कहा धर्मी लोग लंबा जिएंगे अगर वो अपनी जिंदगी को शुद्ध रखे तो। और ये चैलेंज शैतान आपको देता है, एक धर्मी को आप गिरा नहीं सकते जो नित्य उपासक हो और निर्दोष। लाख ट्राई कर लो, करोड़ ट्राई कर लो, आप उसे ऊंचा ही पाता हुआ, ऊंचा उड़ता हुआ, आमीन करो ऊंचा, तो ये ब्लेसिंग आपके परिवार पे गिरता हुआ मैं देख रहा हूं।